आम चुनाव से पहले योगी सरकार ने नया दांव चला है। आरक्षण पर राजनीति करने वाली पार्टियों को जोर का झटका देते हुए योगी सरकार ने अति पिछड़ों और अति दलितों को आरक्षण की बात छेड़ दी है। सीएम योगी ने विधानसभा में भाषण के दौरान कहा, सरकार अति पिछड़ों और अति दलितों के आरक्षण के लिए कमेटी बना रही है। योगी सरकार के इस ऐलान को आमतौर पर बसपा और सपा का वोट बैंक माने जाने वाले पिछड़ों और दलितों को लुभाने के तौर पर देखा जा रहा है। बजट सत्र को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा, ये दुर्भाग्य की बात है कि लंबे समय तक उन लोगों को नजरअंदाज किया गया जिन्हें आरक्षण की सबसे ज्यादा जरूरत है। सीएम योगी ने पिछली सरकारों पर अति पिछड़ों और अति दलित वर्ग की अनदेखी का आरोप लगाया। इससे पहले राजनाथ सरकार में भी इस तरह का प्रस्ताव आया था, लेकिन कोर्ट ने रोक लगा दी थी। आरक्षण को लेकर बीजेपी और आरएसएस को समय समय पर विपक्षी पार्टियां घेरती रही है। ऐसे में योगी सरकार अगर अति पिछड़ों और अति दलितों को आरक्षण देती है तो इससे बीजेपी को आने वाले चुनाव में फायदा होना तय माना जा रहा है।